नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस पे स्वागत करता हूं। और आप सभी के लिए हर दिन मैं कुछ ना कुछ स्टॉक के लेवल्स लेके जरूर आता हूं, और आज मैं कुछ स्टॉक के लेवल्स लेके कल के लिए आया हूं। और मैं उन लेवल्स को आपको देने से पहले मैं आपको पहले निवेदन करना चाहूँगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को काटिए मत, शुरू से आप ख़त्म होने तक जरूर देखेगा, क्योंकि हर एक सेकेंड आपके लिए कीमती है फ्रेंड। क्योंकि अगर एक लेवल्स अगर आपका छूट जाएगा सुनना, कुछ भी गलती हो जाता है तो उसका कारण एक बड़ा लॉस का सामना हो सकता है। जी हाँ, मैं आपको जो बोल रहा हूँ ये सही है, ये सच है। अगर आप एक भी लेवल अगर छूट जाता है, अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन छूट जाता है, अगर आप एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी पे आप काम नहीं कर पाते हो, तो आपको एक बड़ा लॉस का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड, ये मार्केट कहता है, मार्केट का वही उसूल है। अगर आपको बाजी मारना नहीं आता तो आपको एक नुकसान का सामना जरूर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से आखिर तक देखिए। जो भी आपको लेबल्स दिया जाएगा उन लेबल्स को आप फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो लेवल के ऊपर ही पैसा बनेगा। तो काइंडली प्लीज़ और प्लीज़ मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिए, शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे निफ्टी बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दिया हुआ है, और कुछ छोटे स्टॉक के बारे में भी एक वीडियो बनाया हो तो उसके बारे में अगर जानना चाहते हो, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन आप चेक करके ज़रूर उसका सुविधा ले सकते हो। और मुझे पता है आप लोग अभी अभी मेरे चैनल को नए से आए हो, अभी नए न्यू विजिटर हो, तो आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि लाइक करने से फ्रेंड मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आप लोगों के लिए मैं इंस्पायर हो के आप लोगों के लिए आगे चल के बहुत सारे लेवल निकाल के जो जो स्टॉक आपको चाहिए अगर आप मुझे कमेंट के थ्रू बता देंगे तो आप लोगों के लिए मैं उन स्टॉक के ऊपर जरूर आपको मैं कुछ लेवल निकाल के दे सकता हूँ। और सब्सक्राइब करने से फ्रेंड और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करने से क्या आपको बेनिफिट मिलता है, जो भी लेवल्स मैं प्रोवाइड करूँगा, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तुरंत नोटिफिकेशन थ्रू आपको मिल जाएगा। तो जो भी लेवल्स के वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ फ्रेंड, काइंडली उन लेवल्स के ऊपर जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ लेवल्स के ऊपर ही ध्यान रखना है। आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप दूसरों की बातों पर भरोसा मत कीजिए, बाय करवा दे रहे हैं, सेल करवा दे रहे हैं, वो चीज़ को भरोसा मत कीजिए, वो चीज़ के ऊपर फोकस मत कीजिए, सिर्फ अपना लेवल्स के ऊपर फोकस कीजिए। सपोर्ट देखिए, मार्केट सपोर्ट के आसपास आता है तो बाय कीजिए, अगर रेसिस्टेंस के आसपास आता है तो सेल कीजिए। अगर सपोर्ट ब्रेक करता है, सपोर्ट टूट जाता है, तो उस सपोर्ट से अपना सेल पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। अगर रेसिस्टेंस ब्रेक करता है तो वहाँ से आप बाय कर सकते हो, यही होता है। तो आपको मार्केट में सिर्फ आपको करीबन 9:30 से 3:30 बजे तक आपको सिर्फ मार्केट में जब रहोगे तो सारा चीज़ ध्यान में रख के आप ट्रेड जरूर लीजिएगा। और अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किए हैं काइंडली कर लीजिए, आप एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस करने वाले हो। सब्सक्राइब करने से आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन के थ्रू मिलेगा, हर एक वीडियो का लिंक आपको मिलेगा अगर सब्सक्राइब करते हो तो। काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब देख लेते हैं पैसों मैंने कुछ लेवल्स दिए थे उनमें कैसा अचीवमेंट हुआ है। स्टार्ट करना चाहते हैं पहले इंडसइंड बैंक से। मैंने आपको इंडसइंड बैंक का लेवल जो बताया था 505 का सपोर्ट के साथ 491 का टारगेट, और 521 का रेसिस्टेंस के साथ 531 का टारगेट। आपने देखा होगा मार्केट ने ओपनिंग किया 522, जैसे कि मैंने 521 कहा था, 522 में मार्केट ने ओपन किया, यानी कि हमारे सपोर्ट के ऊपर, सॉरी हमारे रेसिस्टेंस के ऊपर, और वहां से करीबन 505 का मैंने दिया था, पर 512 तक इसने लो लगाया, और वहां से करीबन 526 तक दोबारा एक रैली ने मार्केट दिया। करीबन कोशिश कर रहा था मार्केट यहां पे 500 तक आने के लिए, फिर भी मार्केट बहुत कोशिश किया, फिर भी आप आ नहीं पाया। अगर किसी ने भी ये सपोर्ट जोन जो होता है, जैसे कि आपका मैंने बताया था, अगर रेसिस्टेंस जोन भी पकड़ो आप, अगर आप रेसिस्टेंस से ओपन होते ही किसी ने अगर सेल किया होता तो यहाँ पे 512 तक एक टारगेट आपको मिल जाता, और उसके ऊपर भी आपको प्रॉफिट, बाइंग का प्रॉफिट जरूर मिलता। तो चलिए, और एक स्टॉक आपको मैं देना चाहता हूँ, BPCL पे दिया था मैंने। BPCL का मैंने कल क्लियरली बताया था, नीचे का कोई टारगेट नहीं दिया था। BPCL का 378 का सपोर्ट दिया था और 397 का रेसिस्टेंस, अगर उसके ऊपर चलेगा तो 411, अगर 411 के ऊपर चलेगा तो 435। आपने देखा होगा मार्केट ने
नीचे का 392 का लो लगाया, जैसे कि ओपनिंग होते ही मार्केट ने 392 का लो लगाया और वहां से करीबन 447 तक मार्केट ने खींच लिया। मैंने आपको क्लियरली बताया था कि ये अपसाइड के लिए पूरा रेडी हो चुका है, आप इसको बाइंग कर सकते हो, मैंने क्लियरली वीडियो के द्वारा बताया था। अब देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया हर किसी ने। अगर दो लॉट पे भी किसी ने बाइंग किया होता तो करीबन उसका 1.5 लाख के आसपास प्रॉफिट जरूर मिलता। चलिए, और एक स्टॉक आपको मैं यहाँ पे देना दिया था मैंने, टेक महिंद्रा का मैंने बताया था 588 का सपोर्ट और 613 का रेसिस्टेंस। करीबन मार्केट ने ओपनिंग किया 40604 का और 590 का इसने लो लगाया, जो मैंने 588 का बताया था, पर 590 दो पॉइंट के ऊपर मार्केट ने सस्टेन किया और होल्ड किया। मार्केट ने बहुत टाइम वहाँ पे होल्ड किया। अगर किसी ने भी वहाँ से एक बाइंग पोजीशन क्रिएट किया होता तो दोबारा आपको यहाँ पे करीबन 5600 और 6012 तक मार्केट आया तो यहाँ पे 10 रुपया आराम से आपको प्रॉफिट मिलता। तो ये होते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस। अगर यहाँ पे आप सपोर्ट रेसिस्टेंस के बेस पे काम करते हो तो ऐसा प्रॉफिट मिलता है। तो चलिए, और एक स्टॉक मैंने दिया था, उन स्टॉक पे क्या हो देखेंगे, ओरोबिंदो फार्मा मैंने बताया था सपोर्ट 832 और 832 के नीचे 818 845 के ऊपर 869। मार्केट ने इतना खास मूवमेंट नहीं किया, फिर भी मार्केट ने बहुत कोशिश किया। जैसे कि 832 का सपोर्ट मैंने बताया था, 832 का सपोर्ट के साथ मार्केट ने क्या किया, पहले 838 का ओपनिंग के साथ 844 का उसने टॉप लगाया, यानी कि मैंने 45 का बताया था रेसिस्टेंस, 1 रुपये के नीचे से मार्केट ने नीचे की ओर आया। अगर किसी ने भी वहाँ पे सेल पोजीशन इंट्राडे के लिए भी क्रिएट किया होता, हम लोग का नीचे से बाइंग पोजीशन है, हम लोग का नीचे से करीबन 25 के ऊपर से बहुत लोगों का है और 30 के ऊपर दो जन का शायद ऊपर है। तो ये होता है, अगर वहाँ पे सेल पोजीशन क्रिएट होता तो आप सेल पे आराम से प्रॉफिट बुक करते और 32 से दोबारा बाइंग पोजीशन क्रिएट करके 40 के आसपास दोबारा एग्जिट हो सकते थे। ये होता है सपोर्ट रेसिस्टेंस। तो काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जो लेवल्स देता हूँ आपने देखा होगा 98% वो लेवल अचीव होते हैं। आप 2% 3% छोड़ दीजिए, वो चीज़ मार्केट में होता है। आप देखिए 95% पे अगर पकड़ेंगे तो आपको यहाँ पे एक बहुत सारा प्रॉफिट का सामना जरूर करने पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज ये होते हैं मेरे लेवल्स, काइंडली लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कल के लिए कुछ लेवल्स। BPCL से मैं स्टार्ट करूँगा। BPCL में अभी भी थोड़ा एक उम्मीद बाकी है जो मैं एक्सपेक्टेशन करता हूं और मैं आपको बता देता हूं। 419 का सपोर्ट रहेगा और रेसिस्टेंस रहेगा 447, डे हाई का रेसिस्टेंस रहेगा। अगर डे हाई को ब्रेक करता है तो मार्केट 454 तक आ सकता है। मुझे इससे ऊपर का थोड़ा नहीं लग रहा है फिलहाल। अगर फिर भी 454 के ऊपर चलता है तो 570 तक एक यहाँ पे लंबा टारगेट आ सकता है और उसके बाद मार्केट में थोड़ा गिरावट आ सकता है। और BPCL में खास करके मैं बता देता हूँ, 447 के ऊपर चलता है तो करीबन 454 ये मेरा फाइनल टारगेट। फिर भी पकड़िए, मैं और एक टारगेट भी दे देता हूँ, और अगर 454 के ऊपर चलता है तो 470 का एक टारगेट ऊपर का देखने को मिलेगा। और नीचे का मैं आपको बता देता हूँ, 419 के नीचे चलता है तो 411 और 395 करीबन 411 और 395 तक के टारगेट आ सकते हैं। सपोर्ट रेसिस्टेंस वीडियो के स्क्रीन पे दे दिया हूँ, चेक कर लीजिएगा। और एक स्टॉक देना चाहता हूँ कल के लिए, इंडसइंड बैंक का सपोर्ट रहेगा 512। अगर 512 के नीचे सस्टेन करता है तो 490, अगर 490 के नीचे भी आता है तो 484 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। अगर ये भी सपोर्ट ब्रेकआउट देता है तो 472 और उसके नीचे आएगा तो करीबन 418-20 तक आ सकता है मार्केट। तो इतना नीचे फिलहाल नहीं है, जिस दिन मार्केट नीचे आ सकता है, बहुत जल्दी आ सकता है नीचे। तो करीबन आप रेसिस्टेंस देखेंगे, इसका रेसिस्टेंस सेम रहेगा 531। ये बहुत दिनों का ये रेसिस्टेंस है, बहुत दिन से दे रहा हूँ ये रेसिस्टेंस। इसके ऊपर जैसे ही चलेगा 555 का पहला टारगेट आएगा 555 का। अगर उसके ऊपर भी चलेगा तो 565 के ऊपर चलेगा तो
कम से कम 622 622 के आसपास मार्केट खींच सकता है। तो ये ध्यान में रहे, अगर ये वाला लेवल कटता है, अगर ऊपर सस्टेन करता है तो करीबन 622 तक का एक टारगेट मुझे दिख रहा है मार्केट में। लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये टेक्निकल बोल रहा है, टेक्निकल के हिसाब से मुझे इतना लग रहा है, तो ये खींच सकता है। तो चलिए, जो सपोर्ट रेसिस्टेंस स्क्रीन पे दिया हुआ है नोट कर लीजिए। चलिए और एक स्टॉक देना चाहता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री देना चाहता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैं सपोर्ट देना चाहता हूँ 1874, और 1874 के नीचे 1786, और अगर 1920 के ऊपर चलता है तो पहला टारगेट यहाँ पे 1990 आ सकता है। अगर 1990 के ऊपर चलता है 2036 के आसपास आ सकता है। अगर 2036 के ऊपर भी चलता है तो करीबन 2095 के आसपास, यानी 1100 के आसपास, सॉरी 2100 के आसपास मार्केट आ सकता है। फिर भी कल थोड़ा रिलायंस में थोड़ा तेजी बन सकता है, कल मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि चार्ट के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा रिलायंस में तेजी आ सकता है। फिर भी देखिए, अगर सपोर्ट भी कटता है तो नीचे का डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है, पर फिलहाल चांसेस थोड़ा ऊपर जाने का है। तो रिलायंस पे आप ट्रेड लेके एक अच्छा पैसा कमा सकते हो कल के लिए। सपोर्ट रेसिस्टेंस पूरा जानकारी वीडियो के स्क्रीन पे दे दिया हूँ, काइंडली आप चेक करके ज़रूर मार्केट में कल ट्रेड लीजिएगा और एक अच्छा पैसा आप ज़रूर कमा सकते हो। चलिए और एक स्टॉक मैं देना चाहता हूँ, बंधन बैंक पे। आप लोग को पता है बंधन बैंक पे बहुत दिनों से मैं ट्रेड देता था, बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया, कुछ लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके कमाया, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया। और कल के लिए भी मैं बंधन बैंक देना चाहता हूँ, एक अहम लेवल पर खड़ा है। जैसे कि बंधन बैंक का सपोर्ट रहेगा 348, अगर 348 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो 342, ये 42 के नीचे अगर आता है तो 315 के आसपास मार्केट आ सकता है। और रेसिस्टेंस रहेगा 355 के ऊपर चलता है तो 372, अगर 372 के ऊपर चलता है तो 392 के आसपास मार्केट आ सकता है। तो ये है मेरे सपोर्ट और रेसिस्टेंस, पूरा सपोर्ट और रेसिस्टेंस उसका जानकारी मैंने वीडियो के स्क्रीन पे दे दिया हूँ, काइंडली आप चेक कर सकते हो। हर एक स्टॉक का लेवल मैंने दे दिया हूँ, काइंडली उन लेवल्स को चेक करके मार्केट में ट्रेड लेने के लिए आप रेडी हो जाइए, क्योंकि मार्केट में पैसा कमाना है तो इन लेवल्स के ऊपर ही आपको पैसा कमा के पैसा लेके जाना है। चलिए और एक स्टॉक आपके लिए मैं लाया हूँ कल का, ये फाइनल स्टॉक रहेगा UPL का। UPL भी एक अहम लेवल पर खड़ा है, अगर 433 सपोर्ट आपका रहेगा, 433 डे लो रहेगा। अगर 433 के नीचे मार्केट आता है तो करीबन थोड़ा एक बड़ा गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकता है 403 तक, पर मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा गिरावट कल ही देखने को मिलेगा। पहले मुझे लगता है कि ये थोड़ा अपसाइड के लिए रेडी हो चुका है, जो भी वक्त अगर ये दो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो करीबन एक टारगेट यहाँ पे ऊपर का देखने को मिलेंगे। करीबन 437 का पहला रेसिस्टेंस रहेगा, अगर इसके ऊपर चलता है तो 443 का दूसरा, और 452 का तीसरा, 459 और 475 तक एक लंबा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है UPL में। बहुत दिनों से ये लेवल को वो ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, मार्केट गिरते हुए मार्केट ने खुद को संभाला है UPL में, तो आगे चल के इसमें कल परसों के आसपास इसमें एक तेज़ी बन सकता है। तो अगर आप चाहते हो तो UPL में एक ट्रेड लेके एक अच्छा पैसा ज़रूर कमा सकते हो, फिर भी सपोर्ट रेसिस्टेंस ध्यान में रख के ट्रेड लीजिए। और क्योंकि मैं जो भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस देता हूँ फ्रेंड, आप लोगों ने देखा होगा 90-95% अचीव होते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, मेहनत करके आपके लिए लेवल निकालते हैं। तो मेहनत का फल ज़रूर हम लोग को देते हैं आप लोग प्यार के तरफ से, जैसे कि लाइक और सब्सक्राइब के द्वारा आप लोग हमें प्यार देते हैं। तो काइंडली आप लोग सपोर्ट कीजिए हम लोग को, आप लोग का सपोर्ट मुझे ज़रूर चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके आप लोग वीडियो बना के देता हूँ। तो काइंडली आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे, और सपोर्ट करने से आगे चल के ये चैनल पे एक अच्छा ग्रोथ आएगा। तो आप लोगों के लिए मैं लाइव सेशन करना चाहूँगा, लाइव सेशन के द्वारा मैं आपको लाइव मार्केट में आपको मैं डायरेक्ट ट्रेड दे सकता हूँ, आपको लेवल्स की जानकारी मार्केट में दे सकता हूँ कि अभी ये वाला स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, ये वाला स्टॉक अभी ऊपर के लिए रेडी हो चुका है, ये वाला स्टॉक अभी नीचे गिर सकता है, वो सारा जानकारी मैं आपको इस चैनल के द्वारा ही दूंगा, ऑनलाइन पे दूंगा। मैं किसी से नहीं डरता हूँ, क्योंकि मैं अगर मेरा तरफ से अगर कुछ लॉस भी होता है, उस लॉस को रिकवर करने के लिए मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, तो मैं किसी को नहीं डरता हूं। काइंडली अगर आप सपोर्ट करोगे तो आगे चल के आपको लाइव ट्रेडिंग का फैसिलिटी इस चैनल के द्वारा मिलेगा।
जी हाँ, YouTube पे पहली बार कोई चैनल के द्वारा आपको लाइव ट्रेडिंग का आपको चैलेंज मैं आपको दे रहा हूँ। लाइव ट्रेडिंग आपको यहाँ पे देख के जरूर दिखाऊंगा, और आप लोग आशा करता हूँ आप लोग इन स्टॉक पे जरूर कल पैसा कमाएंगे। आज के लिए इतने, धन्यवाद।